अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। तो आज हम बनाएंगे कीमे की गोली जो लंबे पाव के साथ में मिलती है रमज़ान में। तो यहाँ पर देखिए, मैंने पाव किलो जो है मैंने कीमा ले लिया है, 250 ग्राम मैंने यहाँ पर मटन का कीमा ले लिया है, एक मीडियम साइज़ मैंने प्याज ले लिया है, हाफ कप जितना मैंने यहाँ पर बेसन ले लिया है, थोड़ा सा हरा धनिया, पुदीना इसमें ऑप्शनल है, नहीं डाला जाता, लेकिन मैं पुदीना पसंद करती हूँ, मुझे पुदीने का फ्लेवर अच्छा लगता है, इसीलिए मैं इसमें पुदीना ऐड कर रही हूँ। नमक अपने टेस्ट के हिसाब से जाएगा, एक मीडियम साइज़ का नींबू है उसका रस जाएगा, और 1 टेबल स्पून जितना अदरक लहसुन का पेस्ट जाएगा। 1 टेबल स्पून जो है ये मसाले ध्यान में रखिएगा, ये मसाले ही इसमें जाते हैं और इसका जो टेस्ट होता है वो बहुत ही अलग होता है, जो नॉर्मल अपने कबाब होते हैं उससे बहुत ही अलग टेस्ट होता है और बहुत ही अच्छा टेस्ट होता है। तो यहाँ पर देखिए, मैंने 1 टेबल स्पून जितना साबुत धनिया ले लिया है, 1/2 टेबल स्पून जितना मैंने यहाँ पर ज़ीरा ले लिया है, और 1/2 टेबल स्पून जितना ही मैंने यहाँ पर सौंफ ले लिया है, सौंफ बोलते हैं, बरीशो बोलते हैं, और 1 टीस्पून जितना मैंने काली मिर्च लिया हुआ है, और मैंने यहाँ पर काला नमक लिया हुआ है, ये देखिए। तो अगर आपके पास में पाउडर फॉर्म में अगर काला नमक है तो फिर आपने ले लेना है 1/4 टीस्पून काला नमक। और यहाँ पर मैंने यहाँ अगर आप चाहो तो चिली फ्लेक्स भी ले सकते हो इसके जगह पर, लेकिन मैंने यहाँ पर कश्मीरी ड्राई रेड चिली ली है, मैंने 6 से 7 ली हुई है। अभी हमने क्या करना है, इसको अच्छे से भून लेना है। इसमें से मैं नमक निकाल लेती हूँ और ये सारे जो मसाले हैं इसको हम अच्छे से भून लेंगे। यहाँ पर देखिए, मैंने एक तवा ले लिया है, उसके अंदर ये सारे सूखे मसाले हम डाल देंगे और इसको जो है हम अच्छे से भून लेंगे। तो यहाँ पर देखिए, इसको मैंने अच्छे से भून लिया है, बहुत ही अच्छी सी खुशबू आ रही है इसके अंदर। अब गैस का फ्लेम जो है हम बंद करेंगे और इसको रूम टेम्परेचर पर आने देंगे, और इसको हमने धर धरा सा पीस लेना है, मतलब आपने इसको पाउडर फॉर्म में नहीं, थोड़ा सा जाड़ा थोड़ा सा मोटा ऐसा पीस लेना है। ये जो काला नमक है ये भी मैं इसमें डाल रही हूँ, और इन सबको जो है मैं धर धरा सा पीस कर लेकर आ जाऊंगी। तो यहाँ पर देखिए, अब ये मैंने कीमा ले लिया है, कीमे में हम डाल देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, नींबू का रस इसमें डाल देंगे, और इसके साथ ही में इसमें डाल देंगे हम नमक, नमक अपने टेस्ट के हिसाब से डाल दीजिएगा। मैं यहाँ पर डाल रही हूँ 1 टीस्पून जितना नमक, और ये जो मैंने मसाला पीस कर लेकर आ गई थी ये पूरा मसाला हम इसमें डाल देंगे। मसाला अभी आपको ज़्यादा लग रहा होगा, लेकिन इसमें अभी बेसन भी जाएगा तो मसाला जो है बराबर हो जाएगा। अब इसमें हम बेसन भी ऐड करेंगे, और इसके साथ ही में हम इसमें प्याज भी ऐड कर देंगे, इसमें डाल देंगे हम कोथमीर और पुदीना, और इसको जो है हम अच्छे से अभी मिक्स करके ले लेंगे। हाथों की मदद से ही आपने इसको मिक्स कर लेना है, तो मैं इसको अभी अच्छे से मिक्स करके ले लूंगी। यहाँ पर देखिए, मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया, जितना मैंने आपको मसाला मतलब सामान बताया था, मसाला बताया था, बेसन बताया था, प्रॉपर देखिए बरोबर वो हो गया, अच्छे से ये बन गया। अब इसको क्या करना है, आप चाहो तो हाथों हाथ ही इसको फ्राई कर सकते हो, लेकिन मैं क्या करती हूँ, 1/2 आवर के लिए इसको साइड में रख देती हूँ, वो इसीलिए मैरिनेट होने के लिए, इससे जो है कबाब का जो टेस्ट है और अच्छा हो जाता है। तो मैं इसको अभी 1/2 आवर जो है साइड में रख दूंगी, फ्रीज में रखना है तो आप फ्रीज में भी रख सकते हो, लेकिन मैं यहीं पर साइड में रख दूंगी, फिर 1/2 आवर के बाद आपको फ्राई करके दिखाऊंगी। यहाँ पर देखिए, ऑयल गर्म हो गया है, आधा घंटा भी हो चुका है, 1/2 आवर के बाद में ये देखिए मैं आपको ये गोली बनाकर दिखा रही हूँ, कीमे की गोली। तो आपने क्या करना है, ये देखिए, ये इस तरीके से आपने एक पोर्शन उठाना है, इसको कुछ मेहनत नहीं करनी, बस ऐसे आपने ऑयल में डालना है। देखिए दूसरा भी बता देती हूँ, इस तरीके से आपने निकालना है, थोड़ा सा ऐसे करेंगे, ये देखिए इसको इसी तरीके से बनाया जाता है, बस इस तरीके से आराम से निकालिए और इसमें डाल दीजिए। यहाँ पर देखिए, कीमे की गोली जो है बनकर तैयार है, 5 से 7 मिनट में ये देखिए माशाल्लाह से पककर एकदम रेडी हो गई है। देखिए इसको लंबे पाव के साथ में खाते हैं रमजान में, अक्सर लंबे पाव जो है मार्केट में मिल जाते हैं, और अगर आपके यहाँ पर नहीं मिलते हैं तो मैंने रेसिपी जो है ऑलरेडी चैनल पर अपलोड की है, लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। ये जो कीमे की गोली का टेस्ट एकदम ही अलग आता है, माशाल्लाह बहुत टेस्टी होता है। तो अभी इसको हम सर्व कर लेंगे। यहाँ पर देखिए, रमजान स्पेशल कीमे की गोली, और इसको खाते हैं देखिए इस तरीके के जो पाव होते हैं उसके साथ में ये खाते हैं, ये देखिए छोटे छोटे से पाव आते हैं। इसकी भी रेसिपी मैंने ऑलरेडी चैनल पर अपलोड की है, लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, चेकआउट कर लेना। वैसे ही रमजान में हमेशा मिलते हैं, ये क्यों मिलते हैं, इसके साथ में खाने के लिए।
कीमे की गोली के साथ में खाने के लिए ये लंबे पाव मिलते हैं। तो चलिए, अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और दूसरी चीज़, ये जो नॉर्मल कबाब है उससे ये बहुत ही अलग, कबाब का टेस्ट, इसका जो टेस्ट है वो बहुत ही अलग होता है। अल्लाह हाफिज़।